हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई आज होने वाला है धमाका। किसी बम से नहीं, किसी और चीज से नहीं, बल्कि पानी से। पानी से जो है धमाका होने वाला है। हमारे पास में है भाई साहब मॉन्स्टर बलून्स। आप लोग देखो कि ये जो बलून है ये अभी एकदम रिलैक्स पोजीशन में है, बिल्कुल फूले हुए नहीं है। बट आप इनका साइज देखो यार, लगभग 1.5 फीट के आसपास तो इनकी लंबाई है बिना कुछ भी भरे। और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे पानी की मोटर और भरेंगे पानी और फिर देखते हैं कि इसमें कितना पानी भर पाता है। और भाई हमने जो है इसको हवा से तो कई बार फोड़ा है, इसको हायाबुसा में भी लगाया है, ट्रैक्टर में भी लगाया है, और भी चीजों में लगाया है, लेकिन यार आज पानी भरने वाले हैं और देखते हैं कि जो बलून है कितना बड़ा हो पाता है, किस तरीके से फट पाता है, कितना मजा आता है। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। और भाई प्लीज, ये काफी बड़े साइज का है, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है, प्लीज कुछ भी ट्राई मत करना। शुरू करते हैं। दोस्तों इन मॉन्स्टर बलून्स को भरना इतना आसान भी नहीं है। इसके अंदर हवा भरने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए और मेरे हिसाब से पानी भरने के लिए तो और भी ज़्यादा प्रेशर चाहिए। तो ऐसे सीधा अगर हम इसको टंकी में लगा देंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि भरने वाला है। ये थोड़ा बहुत भरेगा, उसके बाद में रुक जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा रबर इसमें आता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस मोटर का। ये जो 1 हॉर्स पावर की मोटर है, नॉर्मल पानी वाली मोटर, इससे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको टोंटी में लगा दिया और यहाँ पर जो दूसरा पाइप है वो जा रहा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर पूरा जुगाड़ तैयार है और यार मोटर में से थोड़ा सा पानी आ गया है इसमें बिना भरे बिना चलाए, क्योंकि जो टोंटी है उसने मुझे लगता है प्रेशर डाल दिया इतना। अबे अभी भी आ रहा है इसमें तो बिना मोटर चलाई है ना। चलो कोई नहीं गाइस, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें भरे जा रहा है, देखो ये बड़ा हो रहा है, लेकिन अब चलाएंगे मोटर और फिर भरेगा ये। तो मोटर स्टार्ट होगी इन 3, 2, 1 स्टार्ट। गाइस मोटर चल चुकी है, बलून बड़ा होना स्टार्ट हो गया है। कितना वेट है इसमें, एक बार उठा के देखता हूँ। अरे यार अबे वजन है भाई साहब बहुत ज्यादा। ओ हो 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 हो, दोस्तों इसको चलते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब जाकर के जो बलून है वो इतना बड़ा हो गया है, लगभग ये 3.5 फीट के आसपास लंबा हो गया है, या फिर ज्यादा हो गया। भाई साहब टाइम गुजरे जा रहा है लेकिन जो बलून है वो और बड़ा हुए जा रहा है। इसको जो है लगभग 8-9 मिनट हो चुके हैं, हमको तो लग रहा था ये फट जाएगा, लेकिन यार ये वास्तव में मॉन्स्टर बलून। और अब ये जो है और बढ़ चुका है और ऊंचा भी हो चुका है, लगभग 1.5-2 फीट तो इसकी ऊंचाई हो गई है। देखो दोस्तों जो मॉन्स्टर बलून है वो और भी बड़ा हो चुका है और अभी भी ये नहीं फूट रहा है। और यार कितना बड़ा इसका साइज हो चुका है भाई साहब, 4 फीट को क्रॉस कर चुका है बड़े ही आराम से। ऊंचाई भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, एकदम हार्ड हो चुका है, लेकिन फटने का नाम नहीं ले रहा, पानी भरे जा रहा है इसमें कंटिन्यू। अबे यार ये कितना बड़ा हो गया और वो भी पानी से भरा हुआ है, कहीं जोर से ना फट जाए, दूर रहता हूँ मैं। अबे पानी बंद करो गाइस। अबे यार कितना बड़ा साइज हो गया था,
फट ही नहीं रहा था। फिर हमने सोचा क्या करें, हम तो बैठ गए थे, मैं जो है ये कैमरा सेट करने लग गया था, मुझे नहीं पता इसमें कुछ आया है या नहीं आया है, लेकिन कितना ज़ोर से फटा और एक बार पूरी छत देखो, पूरी जो छत है वो यहाँ पर भीग चुकी है पूरी की पूरी। मतलब जैसे ही बलून फटा है चारों तरफ कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पर पानी नहीं गया हो। और भाई हमको ये छत जो है वैसे भी साफ़ करनी थी, तो अब जो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अरे यार, लेकिन यार इतना ज़्यादा पानी आएगा, मैंने तो नहीं सोचा था, मुझे लग रहा था कम में ही फट जाएगा, क्योंकि भाई पानी और हवा में अंतर होता है। बट लाइट चली गई बीच में, दोबारा जोड़ना पड़ा, टंकी में पानी खत्म हो गया, फिर और कहीं से लेना पड़ा, लेकिन फाइनली जाकर जो बलून है वो फट चुका है। और मुझे नहीं पता यार इसमें कुछ आया भी होगा कि नहीं आया होगा, इसको बंद कर देते हैं। तो गाइज ये है बलून फटने के बाद में। तो अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।